Hi, I'm Pinky Rajguru, motivational speaker or business developer. And today's topic is how we can change our weakness into our strength. Actually, में सभी में weakness होती है और सभी में strength होती है. तो strength पहचानने में time लगता है, weakness को जानने में time नहीं लगता है. तो सबसे पहले अपनी weakness को तो हम सब जान चुके हैं. मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अगर हम अपनी weakness को जानना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से points follow करने पड़ेंगे, कि हम किस कारण से हम success हो नहीं पा रहे हैं, कौन सी जगह पे हम रुक रहे हैं और किस तरह से हम अपने आप को success बना सकते हैं. और हमारी weakness क्या है उसको तो हमें कम से कम remove करना ही होगा और उसको छोड़ना ही होगा. तो जब हम जानेंगे कि हमारी वीकनेस क्या है तो हमें 100% उसको बिल्कुल अपने से दूर करना होगा. और स्ट्रेंथ, वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेंथ है और बनने जा रही है, क्या वाकई में हम उस पर काम कर पाएंगे और हमारी स्ट्रेंथ अंदर की है क्या. तो स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या करना है कि वो जो वीकनेस के कारण हम बार बार से कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं, कि हमारी वीकनेस है, सेम चीज़ें, सेम रूल, सेम फॉलोअर्स, सेम वेज, सेम रास्ते, हर जगह हम वही अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस के कारण हम उससे पार नहीं हो पा रहे. तो प्लीज़ उन रास्तों को छोड़ दीजिए कि हम उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा हो रहा है, स्मार्ट वर्क कम हो रहा है, हार्ड वर्क के कारण हम उस पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और स्मार्टनेस हमें है नहीं. तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि हमारी स्मार्टनेस कहाँ से शुरू होती है, हमारी वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ कैसे बन सकती है. हम सब में एक कुछ ना कुछ करने का कुछ ज़्यादा जज्बा होता है कि नहीं, ये वीकनेस है और ये मेरी स्ट्रेंथ है. ये सब हम आगे पीछे जान ही जाते हैं. तो कभी भी जब आप काम शुरू करें तो इस तरह से करें कि अगर हम पहले इस काम को एक ही वे में कर चुके हैं तो उस वे को प्लीज़ दूसरी वे से यूज़ कीजिए. हरेक काम में हरेक का काम करने का तरीका अलग होता है. किसी को एक वे शूट करती है और दूसरे को नहीं करती है. तो दूसरी शूट अगर आपको कर रही है, आप वो आसान समझते हैं कि दूसरा रास्ता आसान है, तो प्लीज़ उस पर जाइए. एक ही रास्ता बार बार यूज़ करने से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ऐसा नहीं है. अगर आपको एक रास्ते में कहीं ना कहीं वीकनेस लग रही है तो गिव अप मत कीजिए, लेकिन रास्ता चेंज कर दीजिए. हो सकता है कि दूसरे रास्ते से उसी वे पे जाने पे आपको आसानी पड़े. एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मान लो आपको किसी पहाड़ पे चढ़ना है. आजकल बहुत सारे तरीके हैं. एक तो आप रस्सी टांग के बार बार चढ़ते जा रहे हैं और वीकनेस आपकी है कि आपके हाथ स्लिप हो रहे हैं, बार बार स्लिप हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी रस्सी नहीं छोड़ रहे. फिर से ट्राई और आप फिर से गिर जा रहे हैं. तो उसके बाद क्या होगा, आप एक ऐसा काम कीजिए कि कम से कम उस पर ब्रिज अगर बना हुआ है तो उससे जाइए, या फिर दूसरी कोई प्रॉब्लमेटिक है जगह होती है कि नहीं मैं इससे इस तरह से नहीं जा सकता हूँ, दूसरी वे से मैं हाँ जा सकता हूँ, तो दूसरी वे जाइए. चींटी क्या करती है, एक ही रास्ते को बार बार नहीं रोकती, वो भी रास्ता बदल के कहीं ना कहीं से उस जगह पर पहुंच जाती है. तो कहीं ना कहीं हमें हर चीज इंस्पायर करती है कि हम आगे कैसे आए. तो एक चीज अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं और उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, प्लीज अपने गोल को मत छोड़िए, रास्ता चेंज कीजिए. अगर रास्ता चेंज कर लेंगे तो 100% आपको गोल मिल जाएगा, क्योंकि जहां आपकी वीकनेस के कारण वो गोल नहीं मिल रहा है, रास्ता चेंज करने के कारण हो सकता है वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाए. हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम नहीं जानते मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन एक इमेजिनेशन कीजिए कि कुछ चेंज करने के बाद हो सकता है कि अगर मैं इसमें ये चेंज लाऊं, इस रस्सी को मैं ड्राइनेस, ऐसी रस्सी यूज करूं जिसमें ड्राइनेस ज्यादा हो और जो ज्यादा स्लिपी ना हो, तो क्या होगा, तो शायद हम पहुंच जाएंगे. लैडर लगा दीजिए, लैडर से भी आप पहुंच जाएंगे. हो सकता है इतनी लैडरिंग करके भी आप ऊपर रस्सी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो लैडर से पहुंच सकते हैं. तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें गोल वही है, चीज वही है, आदमी वही है, लेकिन उसके चेंजिंग मेंटेलिटी से उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है. वो 100% फास्ट, शार्प, शॉर्टकट वे से उस रास्ते पर पहुंच जाता है जिसमें वो 2-3 साल से अपनी वीकनेस के कारण, सेम वे के कारण नहीं पहुंच पा रहा था. तो क्या करेंगे, उस रास्ते को चेंज कीजिए, वो जो व्यू है उसको चेंज कर दीजिए, अपने पॉइंट्स को चेंज कीजिए, अपनी मेंटेलिटी को चेंज कीजिए, गोल को चेंज मत कीजिए. तो हो सकता है कि आप 100% आपकी वीकनेस सक्सेस में या स्ट्रेंथ में चेंज हो जाए. तो प्लीज चेंज योर व्यूज और अदर थिंग्स. अगर वीकनेस है तो उसको चेंज कीजिए. किसी में बार बार एक ही फॉलो मत कीजिए रास्ता, दूसरे रास्ते पे भी फॉलो करके देखिए. एंड इफ यू वांट टू टेक बिजनेस क्लासेस और मोटिवेशन क्लासेस By me, please. My number is 8087999366. Take care and please subscribe my channel, like, comment also.